Hi everyone, welcome to our channel. This is Sheenam Kataria. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यू करेंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये है पार्ट 16, टोटल 15 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये क्लास मेरी हर शनिवार को आया करेगी, जिसमें आपको 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे। अभी तक ना मैं 5-5 क्वेश्चन ही करवा रही थी। नेक्स्ट सैटरडे से जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ये सब मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन, और जितना भी कुछ करंट में भी चल रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि करंट में ये चल रहा है, ये एक्सपेक्टेड है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में पूछा गया, फिर सेकंड नंबर पे ये देखिए उसने करेक्ट पूछा है उसके बारे में, नोट करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे नोट करेक्ट पूछा है, फिर थर्ड नंबर पे आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लेकर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको करके ही जानी है, 99% आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आपको करके जानी है, दोनों में 99% चांसेस है। क्यों? क्योंकि जून 2022 में इन दोनों में बहुत बड़ा चेंज किया गया प्रीमियम को लेकर, इसका प्रीमियम भी बदल दिया गया और इसका प्रीमियम भी बदल दिया गया। अब यहाँ पे देखिए आप पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। उसने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इन तीनों में से जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा, कई बार हम ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता है करेक्ट ही तो पूछा होगा। इट इज़ ए वन ईयर, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख रखा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए, इट इज़ ए वन ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक साल की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो यहाँ पे देखिए, यह एक साल की जीवन बीमा योजना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसने बोला था कौन सी सही नहीं है, ओनली ए तो आंसर होएगा ही नहीं ना, क्योंकि ओनली ए आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई देखिए उसने पूछा कौन सी सही नहीं है, ये तो सही है, तो यहाँ पे आप ए काट देते हैं, ठीक है। इट इज़ ए वन ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ये चीज़ सही है, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज द पेमेंट टू द नॉमिनी विल बी ₹2 लाख अगेंस्ट ए प्रीमियम ऑफ ₹436 पर एनम। अगर मान लो जिस बंदे ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपने आप को इनरोल करवाया होगा, उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो किसी भी वजह से, तो उसका जो नॉमिनी होगा, जब उसने इसमें इनरोल करवाया, उसने नॉमिनी चूज़ किया होगा, तो उसके मरने के बाद उस नॉमिनी को 2 लाख मिल जाएगा। बट जब कोई बंदा इसमें इनरोल करवाता है ना, तो उसको प्रीमियम देना पड़ता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है 436 पर एनम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए बी भी सही है, तो यहाँ पे बी वाला आंसर भी नहीं हो सकता, ना तो सेकंड हो सकता और ना ही फोर्थ हो सकता, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमने पहले ही गायब कर दिया था। बचा क्या, ऑप्शन थर्ड, ओनली सी बचा, क्या जी, ओनली सी है ना जी। तो वन सेकेंड, ठीक है। तो अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70। अब मैंने बोला था जब आपको क्वेश्चन पता भी लग जाए तब भी आपको लास्ट स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज़ राइट। उसने पूछा था इन सालों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, थर्ड सही नहीं है। अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये अवेलेबल है जिनकी उम्र 18 से लेकर 50 साल है, 18 से 70 पता है किन के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे भी आप चलते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित मतलब कि नॉमिनी व्यक्ति को ₹436 प्रति वर्ष के प्रीमियम के एवज के रूप में 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। तो ये तो सही थी, तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी बचा, थर्ड इज़ राइट। 18 से 70 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, नहीं जी, ये 18 से लेकर 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊँ, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये है 18 से 50, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये है 18 से 70। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से ऐसे लिख दिया, उधर लिखना था वो। यहाँ पे देखिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये है 18 से 70, मैंने गलती से यहाँ पे 18 से 50 लिख दिया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50, जो बंदे की उम्र 18 से लेकर 70 साल के बीच में है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने आप को इनरोल करवा सकता है, जो व्यक्ति की उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच में है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपने आप को इनरोल करवा सकता है। अब जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है,
ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम है, ये आपको बात याद रखनी है। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या आता है, जब कोई मर जाता है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख मिलता है। बट इसमें क्या आता है, सुरक्षा बीमा योजना में अगर मान लो किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी, क्योंकि एक्सीडेंट पे मिलती है ये, इसका जो बेनिफिट है एक्सीडेंट पे मिलता है। मान लो किसी बंदे की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, तो उसको 2 लाख मिलेगा। बट अगर उस बंदे की एक्सीडेंट की वजह से पार्शियल डिसेबिलिटी हुई तो 1 लाख मिलेगा। तो ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। बट इन दोनों स्कीम में ना टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए यूपीएससी एपीएफसी में ऐसा कुछ घुमा के पूछा जाए कि आपको लगे कि ऐसा कैसे पूछ लिया, तो आपको सारे पॉइंट्स ना इसके पता होना चाहिए। इन दोनों स्कीम्स में, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इन दोनों स्कीम में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इन बोथ द स्कीम्स यू वुड नॉट बी गेटिंग एनी टैक्स बेनिफिट। ओके, इसमें होता क्या है ना, जब आप इनरोल करवाते हो जो आपको प्रीमियम, यस, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें प्रीमियम की बात याद आ गई। जून 2022 में इन दोनों का प्रीमियम बदला गया, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ना पहले जो प्रीमियम था वो क्या हुआ करता था, 12 रुपये हुआ करता था पर एनम, एक साल के 12 रुपये। अब 12 से करके 20 कर दिया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 12 से 20 कर दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 330 पर एनम हुआ करता था, इसका बढ़ा के 436 पर एनम कर दिया। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही लिखा था। इसका क्वेश्चन भी आया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम को लेकर ईपीएफओ ईओ 2017 में, वो क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है ना, जब कोई बंदा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति बीमा योजना में अपने आप को इनरोल करवाता है तो उसका जो प्रीमियम है ना वो अपने आप ही कटता रहता है, ऑटो डेबिट होता है, क्योंकि आपा जो सेविंग अकाउंट होता है उसे लिंक करते हैं, तो इस वजह से होता है सारा कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो आपको एपीएफसी एएलसी के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपको इसे छोड़ के नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके प्रीमियम से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 20 है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो 436 पर एनम है। ये 20 पर एनम है, ये 430, पहले ये 12 था 20 हो गया, ये 330 था। आपको पता होना चाहिए जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 होता है, सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 होता है। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा वहीं पे लिख दिया, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ना है तो अगर वो गूगल पे सर्च करेंगे ना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो विकीपीडिया पे खुल के आ जाएगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो मैंने यहाँ विकीपीडिया से ही यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अभी मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे ओरिजिनली मेंशन किया गया था 2015 के बजट स्पीच में किया गया था, तब फिनांस मिनिस्टर जो थे अरुण, उनके द्वारा ये किया गया था फरवरी 2015 में, मतलब बजट स्पीच में इसको बोला गया था। अगर मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अगर मैं अटल पेंशन योजना की बात करूँ, इन तीनों को ना 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर आप प्रीमियम देख सकते हैं 18 से 50 देख सकते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एनुअल प्रीमियम 20 पर है ना, मैं जो भी एनुअल प्रीमियम बोल दिया मैंने, ठीक है, 18 से 70 साल के बीच में है। तो ये सब कुछ है। इसे जो फॉर्मली लॉन्च किया गया था इसे 8 मई को किया गया था, बट तीनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को तीनों को 9 मई 2015 को कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया था। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ईपीएफओ ईओ 2017 के पेपर में आया था। अब ये क्वेश्चन तब था, तब इसका आंसर कुछ और था, अब ये क्वेश्चन आ जाए इसका आंसर कुछ और होगा, कैसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू ₹2 लाख। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका जो प्रीमियम है वो कितना है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दी गई हैं, 100, 50, 20, 12। अब देखिए, जब ये 2017 में आया तब तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तब तो इसका आंसर डी होना चाहिए ना, ऑप्शन डी इज़ राइट उसके अकॉर्डिंग। बट आज आपको ये क्वेश्चन आ जाए यही सेम स्टेटमेंट, मतलब ऐसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ हाइपोथेटिकली, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी क्या है जून 2022 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो बदल दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ₹20। ओके, 20 पर एनम है,
ठीक है जी। EPFO EO 2017 के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी था, क्योंकि उस टाइम पे 12 प्रतिवर्ष इसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम था। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख रखा है, मैंने यहाँ पे सीधा स्क्रीनशॉट ले लिया था। दुर्घटना और अशक्तता हेतु 2,00,000 रुपये तक के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक बीमा किस्त की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? EPFO EO अकॉर्डिंग उसका आंसर डी था, बट आज के अकॉर्डिंग इसका आंसर 20 होगा, सी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डी। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन EPFO EO 2017 में आया हुआ है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ करवाती जाऊंगी कि हमें पता चलता रहे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर, यहाँ पे ये कहा गया गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया। यहाँ पे आपके सामने चार एक्ट दिए गए हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, माइंस एक्ट 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948, प्रसूति असुविधा अधिनियम 1961, खान अधिनियम, माइंस एक्ट 1952। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज राइट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। पहली बार भारत में जो मेडिकल बेनिफिट है एज अ नॉन कैश बेनिफिट इस एक्ट के तहत प्रोवाइड करवाया गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अभी आप एक्ट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में ना 6 तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये एलिजिबल उनको होता है, उन एम्प्लॉयज़ पे एलिजिबल होता है जिनकी वेजेस 21,000 प्रति महीना या उससे कम होती हैं। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। ये मैं थोड़े से पॉइंट आपको बता रही हूँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के। बाकी आप इसके क्वेश्चन भर भर के करने वाले हैं, सारे एक्ट्स के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पर आप रुकिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 तरह के बेनिफिट इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट करूँ, एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेडिकल बेनिफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें तो सिकनेस बेनिफिट आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो मटर्निटी बेनिफिट भी आता है, इसमें डिसेबलमेंट बेनिफिट भी आता है, इसमें डिपेंडेंट बेनिफिट भी आता है, और इसमें एक बेनिफिट और आता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे कितना अगर मैं बताऊँ ना कि ये एक्ट उनके लिए एलिजिबल होता है जिनकी जो वेजेस हैं प्रति महीना 21,000 या उससे कम है। पहले 15,000 हुआ करता था, ये अप्लाई उन पे होता था जिनकी सैलरी, जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 प्रति महीना या उससे कम है, बट बाद में इसे 21,000 बढ़ा दिया गया था 2016 में, इसमें अमेंडमेंट की गई थी। अब ये इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कितना शेयर होता है, आप शेयर की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो शेयर था ना ये भी पहले 2019 से पहले कुछ और हुआ करता था, फिर 2019 में इसका शेयर जो था वो बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, जो एम्प्लॉयर शेयर करता है वो करता है 3.25%। ओके, और जो एम्प्लॉई करता है वो करता है 0.75%, तो टोटल कितना किया जाता है 4%। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टोटल 4% किया जाता है, जो एम्प्लॉयर करता है वो 3.25% करता है, जो एम्प्लॉई करता है वो 0.75% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अटल पेंशन योजना क्या होती है, अटल पेंशन योजना का मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया, EPFO EO 2017 में भी इसका क्वेश्चन आया था, मैंने वो भी करवा दिया, मैंने अटल पेंशन योजना का क्वेश्चन खुद से बना के भी करवा दिया, अटल पेंशन योजना होती क्या है मैंने ये भी बता दिया, अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में क्या डिफरेंस है मैंने वो भी जो लास्ट पार्ट है ना उसमें मैंने बता दिया। अब मैं नहीं बताऊंगी कि अटल पेंशन योजना और श्रम योगी मानधन योजना में क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ना वो इसका इशू हो रहा है। चलो यहाँ पे देखिए, अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो अगर आपको अटल पेंशन योजना के बारे में डिटेल से पढ़ना है या आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अटल पेंशन योजना में क्या डिफरेंस है अगर आपको जानना है तो आपको मेरे लास्ट पार्ट भी देखने होंगे। मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगी तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया, अटल पेंशन योजना का एक स्कीम का क्वेश्चन अगर मैंने एक बार करवा दिया मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी,
जैसे मैंने अगर ई श्रम पोर्टल एक बार करा दिया, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। डीजी सक्षम मैंने करवा दिया, मैंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का क्वेश्चन करवा दिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। बट ये अटल पेंशन योजना का क्वेश्चन ना यूपीएससी 2016 का जो प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम था उसमें ये आया हुआ था, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ठीक है, मुझे लगा ठीक है अटल पेंशन योजना मैंने आपको करवाई है तो क्यों ना वो वाला क्वेश्चन सोल्व किया जाए 2016 का। इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने तो सिर्फ अटल पेंशन योजना, अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है अपने लिए इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने देखा कि 2016 का क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ सोल्व करने के लिए। तो क्योंकि जो यूपीएससी सीएससी का लेवल आता है ना प्री वाला, वैसा लेवल एपीएफसी का नहीं होगा। कंडक्ट तो दोनों को यूपीएससी करवाती है, सीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो बहुत डिफरेंट होता है, एनालिसिस बेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है एपीएफसी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसमें दोनों में बड़ा डिफरेंस है। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी तक मैं आपको इतना कुछ इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे कह रहा है अटल पेंशन योजना का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये बोला गया इट इज़ ए मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो ये तो सही है भाई, फर्स्ट सही है, फर्स्ट यहाँ पे भी है, फर्स्ट यहाँ पे भी है, फर्स्ट यहाँ पे भी है, तो बी तो हो नहीं सकता। आंसर या तो ए होगा या सी या डी, क्योंकि एक मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम है, ये टारगेट करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए, उसके बाद फर्स्ट सही है, ठीक है, ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। ओ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, अगर हमारे परिवार में तीन जने या चार जने, चार के चार एलिजिबल है, क्योंकि इसकी उम्र जो होती है ना अटल पेंशन योजना की वो 18 से 40 होती है, तो चारों करवा सकती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, उसने पूछा था कौन सी करेक्ट है, तो सेकंड भी गलत होगी। तो यहाँ पे देखिए डी भी चला गया, अब बचा गया या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा, या तो फर्स्ट ओनली या फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। अगर मान लो एक बंदे ने अटल पेंशन योजना में अपने आप को इनरोल करवाया, 18 से 40 के बीच में करवाया, इसमें क्या होता है जब 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब वो बंदे का 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू होगी, अब वो 65 का हो गया ना, जब वो 65 ईयर्स का हो गया तब उसकी डेथ हो जाती है। तब जो उसकी पेंशन मिल रही थी 18 से 40 के बीच में, वो उसने मान लो 32 में मान के चलते, उसने ना 18 से 40 उम्र होती है अटल पेंशन योजना की, उसने वो 32 ईयर्स का था, वो एक बंदे की बात करता है 32 ईयर्स का था, उसने इसमें इनरोल करवा लिया अपने आप को। अब क्या हुआ, ठीक है, उसने इनरोल करवाया, उसने भरा, 60 साल की उम्र तक वो अपना भरता गया, इसमें जितना भी इसमें प्रीमियम होता है, इसमें अलग अलग प्रीमियम होता है, ठीक है। अब 60 साल के बाद उसे पेंशन मिलनी शुरू होगी। यहाँ पे मंथली जो पेंशन मिलती है ना अटल पेंशन योजना में, वो 1000 से लेके 5000 के बीच में मिलती है। 1000-5000 इसलिए होती है क्योंकि प्रीमियम के अकॉर्डिंग है, जितना आप प्रीमियम भरोगे उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब वो 65 का हो गया, तब उसकी डेथ हो जाती है, तब उसकी जो पेंशन है वो मंथली किसको मिलनी शुरू हो जाएगी, स्पाउस को। अब देखो, स्पाउस हस्बैंड वाइफ होता है, अगर यहाँ पे हस्बैंड था तो ये वाइफ को मिल जाएगी, वाइफ थी तो हस्बैंड को मिल जाएगी, तो यहाँ पे पूरी की पूरी मिलती है। अब ना 50% नहीं मिलती, पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है ना उसमें 50% मिलती है। अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है और उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने आप को इनरोल करवा रखा है, तो उसकी जो स्पाउस होता है ना, तो उसको वहाँ पे 50% मिलती है, पर यहाँ पे 50% नहीं होती, यहाँ पे पूरी की पूरी होती है। ओके, तो ये थर्ड भी सही था, तो इसका आंसर पता क्या आएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इज़ राइट, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अभी मैं वैसे बता भी रही हूँ, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा कि मैं आपको डिफरेंस ना बताऊँ, मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत बार बता दिया, मैं फिर भी बता रही हूँ। तो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वैसे बहुत सारे डिफरेंस है, बट एक और बताती हूँ। जो अटल पेंशन योजना होती है, इसमें मैंने अभी आपको 50% वाला तो बता ही दिया ना, कि इसमें सुरक्षा बीमा योजना में 50% मिलती है सिर्फ स्पाउस को मंथली पेंशन, बट इसमें क्या पूरी की पूरी मिलती है। बट अगर मान लो अटल पेंशन योजना में अगर दोनों मर जाएं, स्पाउस मतलब कि हस्बैंड भी और वाइफ भी, है ना, तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा बाद में अमाउंट ना वो नॉमिनी को चला जाता है, 1,70,000 से लेके 8,50,000 के बीच में। पर सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है ना, दोनों अगर मर गए तो सारा का सारा सरकार को पैसा चला जाता है,
यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह एक न्यूनतम गारंटेड पेंशन योजना जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। आपको ना पागल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे संगठित लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज लिखा है तो ऑर्गेनाइज लिख देगा। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है छोटी छोटी। तो ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लक्षण, तो फर्स्ट तो सही है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सही है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे भी है, फर्स्ट यहाँ पे भी है, तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। या तो आंसर ए होगा, या तो आंसर सी होगा, या तो आंसर डी होगा। ओके, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये तो सही है, सारे हो सकते हैं जिनके 18 से 40 है। तो सेकंड तो भाई गलत है, तो सेकंड इधर से चला गया। अब आंसर क्या बचा, अब आंसर बचा या तो ए आएगा या तो सी आएगा, डी भी चला गया। अभिदाता, सब्सक्राइबर के मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है, तो ये बिल्कुल सही है जी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज़ राइट। यहाँ पे फर्स्ट भी सही था और थर्ड भी सही था। तो ये थे क्वेश्चन, मैंने 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवाए हैं। नेक्स्ट सैटरडे से आप क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जिन्हें इनका कंटेंट नहीं मिल पाता है। हिंदी मीडियम में तो बच्चों को क्वेश्चन मिल ही नहीं पाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।